इस दुनिया में कोई भी बेस्ट एक्सरसाइज नहीं होती। एक्सरसाइजेस सिर्फ टूल्स होते हैं जो हम टारगेट मसल ग्रुप को ग्रो करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडे बनाने के लिए कोई भी यूनिवर्सल तरीका नहीं होता। मैं अंडों को एक कंटेनर में क्रैक करके उनको पैन में डाल सकता हूँ, या अंडों को डायरेक्टली पैन में फोड़ सकता हूँ, या अंडों को बॉइल करके खा सकता हूँ। एंड रिजल्ट एग्स। सिमिलरली बॉडी बिल्डिंग के साथ चीज ये है कि ऑलमोस्ट हर कोई टेक्निक काम करती है। एक अच्छी गुड लुकिंग फिजिक बनाने के लिए कोई एक पर्टिकुलर तरीका नहीं होता। आप डिबेट कर सकते हो, आप ओवरथिंक कर सकते हो, आप साइंस की ओर देख सकते हो, पर आपको तब तक पता नहीं चलेगा तब तक आप खुद पे एक्सपेरिमेंट नहीं करते। इस वीडियो में मैं आप सबके साथ मेरे टॉप 3 एक्सरसाइजेस शेयर करने वाला हूँ That have helped me build a wide and aesthetic back. Like Baki Hanma, ऐसे कई लोग बोलते हैं and I know it's a compliment, I'm humbled, पर मैंने अभी तक ये शो देखा नहीं है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना if it's worth watching. मेरा एक general principle है, exercises की ओर देखने के बजाय मैं movement patterns को consider करता हूँ। ये मेरी training philosophy है जो मैं सारे muscle groups को apply करता हूँ, not just back. Back training की बात की तो दो मेन मूवमेंट पैटर्न्स होते हैं जिनकी ओर मैं देखता हूँ, एक वर्टिकल पुल और एक हॉरिजॉन्टल पुल। मैं मानता हूँ कि सारे वर्टिकल पुल्स सेम और आइडेंटिकल नहीं होते। फॉर एग्जांपल, एक न्यूट्रल ग्रिप पुल अप और एक वाइड ग्रिप लैट पुल डाउन को कंपेयर किया तो ठीक है, कुछ ऐसे मसल ग्रुप्स होंगे जो बैक में थोड़े से ज्यादा बायस हो रहे हैं, पर मैं चीजों को इतना ज्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करता। मुझे ये पता है कि एज लॉन्ग एज मैं ये दो मूवमेंट पैटर्न्स परफॉर्म कर रहा हूँ और बेसिक्स परफॉर्म कर रहा हूँ, मेरी बैक एज अ होल ग्रो होगी। सो बिना किसी देरी के ये है मेरे टॉप 3 बैक एक्सरसाइजेस जिन्होंने मेरे बैक को पिछले 5 सालों में ग्रो करने में मदद किया। और बाय द वे, एक छोटी सी ट्रिगर वार्निंग है, अगर आप एक हार्डकोर जिम ब्रो हो जिससे लगता है कि डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक रास्ता है, देन दिस माइट पिंच अ लिटिल। मैं अपनी बैक को ग्रो करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मशीन्स का इस्तेमाल करता हूँ। अगर आपको इसके पीछे का रीजन जानना है तो पिछला वीडियो जरूर चेकआउट करना। लैट पुल डाउन की जो मशीन है वो मेरी ऑल टाइम फेवरेट बैक एक्सरसाइज है। दिस इज माय वर्टिकल पुल ऑफ चॉइस। पास्ट में मैंने पुलअप्स के साथ बहुत एक्सपेरिमेंट किया है। मेरा मानना है कि पुलअप्स एक बहुत ही फन, कूल और चैलेंजिंग एक्सरसाइज है, पर अगर आप मुझे कहते कि जिंदगी भर तुझे सिर्फ एक वर्टिकल पुल चूज करना है तो वो डेफिनेटली लैट पुल डाउन होता, फॉर 3 मेन रीजंस। ये एक्सरसाइज मुझे कंट्रोल सिखाती है, इस एक्सरसाइज पे प्रोग्रेस करना कन्वीनियंट है एंड इट्स इजियर ऑन रिकवरी। अब इन 3 पॉइंट्स को थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं। जब मैं कहता हूँ कि ये एक्सरसाइज आपको कंट्रोल सिखाती है, इट कैन, अगर आपका माइंडसेट सही है। अगर मेरा गोल जिम में लोगों को इम्प्रेस करना होता और ईगो लिफ्ट करना होता तो आज मैंने ये बैक बिल्ड नहीं की होती। अगर मेरा गोल मोमेंटम का इस्तेमाल करके चीट करके वेट को मूव करना होता तो मैंने कुछ सीखा नहीं होता। अगर आप अपने ईगो को दरवाजे के बाहर छोड़ सकते हो तो लैट पुल डाउन की जो मशीन है वो आपको अमेजिंग कंट्रोल सिखा सकती है, क्योंकि ये एक मशीन है, इसका जो मूवमेंट पैटर्न है वो फिक्स्ड होता है, हेंस योर फोर्स टू मूव इन वन प्लेन। ये मूवमेंट आपको उन मसल्स का इस्तेमाल करने की प्रैक्टिस देती है जो एक्चुअली वेट को मूव करने में इस्तेमाल होने चाहिए। जब से मैंने ये मूवमेंट सही तरीके से परफॉर्म करना चालू किया तब से मेरा माइंड मसल कनेक्शन बहुत इम्प्रूव हुआ। बेहतर कंट्रोल डेवलप करने के लिए जब मैं वेट को नीचे पुल करता हूँ तो मैं उसे एक्सप्लोसिव तरीके में पुल करता हूँ, पर कॉन्ट्रैक्शन मिलने के बाद मैं हमेशा इसेंट्रिक पोर्शन को कंट्रोल करते हुए वेट को ऊपर लेके जाता हूँ, और मैं हमेशा उस पॉइंट तक ऊपर जाता हूँ जब मेरे एल्बोज पूरी तरीके से स्ट्रेट है। इससे मुझे अपने लैट में एक अच्छा स्ट्रेच मिलता है, और मेरे पर्सनल ओपिनियन में वेट को नीचे पुल करते समय बैक में एक छोटा सा आर्च मेंटेन करना कम्प्लीटली ओके है, एज लॉन्ग एज मैं ऊपर के पॉइंट पे अपने टॉर्सो को थोड़ा बहुत सीधा करता हूँ टू स्ट्रेच माई लैट। बी, इट्स कन्वीनियंट टू प्रोग्रेस। लॉकडाउन में जब सारे जिम्स बंद थे तब मेरी मेन वर्टिकल पुल की एक्सरसाइज थी द वेटेड पुल अप, क्योंकि और कोई चॉइस नहीं था। अगर हम मसल ग्रोथ की बात करेंगे तो प्रोग्रेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। प्रोग्रेस को हम कई अलग अलग तरीकों से मेजर कर सकते हैं, जैसे हम कितना वेट उठा रहे हैं, हम कितने सेट्स परफॉर्म कर रहे हैं, हम कितने रेप्स परफॉर्म कर रहे हैं, टेक्निक एंड सो ऑन। जब हम वेटेड पुलअप्स की बात करते हैं तब मेरा मानना है कि उस एक्सरसाइज पे ओवर टाइम प्रोग्रेस करना थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो जाता है। एक बेल्ट पहन के उस बेल्ट पे चेन्स या वेट्स अटैच करके एक रॉड पे लटकना मेरे लिए ओवर टाइम थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो जाता है, पर लैट पुल डाउन की जो मशीन है वो ये इशू फिक्स करती है। लैट पुल डाउन की जो मशीन है वो मेरे लिए प्रोग्रेस करना बहुत ही सिंपल और कन्वीनियंट बनाती है, एज सिंपल एज लोअरिंग द पिन बाय वन स्टैक। सी, इट्स इजियर ऑन रिकवरी। ये मूवमेंट एक मशीन एक्सरसाइज होने की वजह से
मेरे बॉडी के ऊपर जो ओवरऑल थकावट या ओवरऑल फटीग होती है वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम होती है। जब मैं हैवी वेटेड पुलअप्स लगाता हूँ तो एक सेट खत्म होने के बाद मेरे बैक मसल्स के साथ साथ पूरी बॉडी काफी अच्छे से लोड हो जाती है। हमेशा याद रखना, अगर आप ओवरऑल कम फटीग अक्यूमुलेट करोगे तो आपकी रिकवरी बेहतर होगी, और अच्छी रिकवरी के साथ आप ओवर टाइम ज्यादा क्वालिटी वॉल्यूम कर पाओगे। एंड व्हाट डज दैट मीन? मोर गेन्स। मैं लैट पुल डाउन के 3 सेट्स लगाता हूँ 6 से 10 रेप्स की रेप रेंज में, और सारे 3 सेट्स में वेट को सेम रखता हूँ। जब मैं एक पर्टिकुलर वेट के साथ 10 10 10 ऐसे 3 सेट्स कंप्लीट कर सकता हूँ, इसका मतलब मैंने अपर लिमिट अचीव किया है और मैं अगले सेशन में थोड़ा सा वेट इंक्रीज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आज के पुल सेशन में मैंने 110 केजीज के साथ लैट पुल डाउन परफॉर्म किए 9 8 7 ऐसे 3 सेट्स के लिए। अब मैं इस वेट को सेम रखूंगा जब तक मुझे 10 10 10 रेप्स नहीं मिलते। सिंपल फनी स्टोरी, पर ये इकलौती रोइंग एक्सरसाइज है जो मुझे अपनी बैक में फील होती है। 5 सालों में मैंने अलग अलग रोज के साथ एक्सपेरिमेंट किया है। मैंने सिंगल आर्म डंबल रोज लगाया है, केबल रोज लगाया है, बारबेल रोज लगाया है। यक, मैं बारबेल रोज को कभी नहीं करने वाला, मुझे सिंपली वो एक्सरसाइज पसंद नहीं है। ये जो भी अलग अलग रोज थे उन्हें परफॉर्म करते वक्त हमेशा कोई ना कोई इंटरफियरिंग मसल ग्रुप टेक ओवर करता था, जैसे बाइसेप्स, फोरआर्म्स या मोमेंटम। ये सब कुछ बदल गया जब मैंने मशीन रो को ठीक से और सीरियसली परफॉर्म किया। इस मशीन का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये मशीन एक चेस्ट सपोर्टेड मशीन है, तो बाकी के हॉरिजॉन्टल पुल्स जैसे दिस रो डजंट बीट माई बॉडी अप। बाकी के जो भी हॉरिजॉन्टल पुल्स है उनमें मुझे एक कॉमन प्रॉब्लम दिखता है, और वो है कि ये सारे रोज अनसपोर्टेड होने की वजह से लोअर बैक के ऊपर बहुत ही ज्यादा अननेसेसरी स्ट्रेन आता है। नॉट दैट देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद दैट, पर ये थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है। जब हम रोज परफॉर्म करते हैं तो हम कौन से मसल ग्रुप को टारगेट करने की कोशिश करते हैं? हमारे लैट्स और हमारी अपर बैक। सो मशीन रो मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा टूल है जो मुझे इन सारे टारगेट मसल ग्रुप्स को स्टिम्युलेट करने में मदद करता है विदाउट एनी एडिशनल प्रॉब्लम्स। ये मूवमेंट परफॉर्म करते वक्त मुझे जो स्क्वीज और जो कॉन्ट्रैक्शन मिलता है इट इज़ अनमैच्ड। हर एक्सरसाइज की तरह मैं वेट को कंट्रोल में लोअर करने की कोशिश करता हूँ और अच्छे से अपने लैट्स को स्ट्रेच होते हुए फील करता हूँ। जब मेरा एल्बो पूरी तरीके से स्ट्रेट होता है और जब मुझे अपने लैट्स में फुल स्ट्रेच महसूस होता है, आई एक्सप्लोर एंड आई पुल बैक। मुझे आप सबके साथ एक छोटी सी टिप शेयर करनी है, समथिंग दैट हैज रियली हेल्प मी ड्यूरिंग द मशीन रो दिस ईयर। पहले मैं पुल करते समय बहुत ही कॉन्शियसली अपने स्कैप्यूला को रिट्रैक्ट करने के बारे में सोचता था। ऑफकोर्स ये छोटे छोटे डिटेल्स टू सम एक्सटेंट इम्पॉर्टेंट है, पर आजकल ये मूवमेंट परफॉर्म करते वक्त मैं उन सारी चीजों के बारे में ज्यादा सोचता नहीं। आई जस्ट पुल विथ वॉट फील्स द मोस्ट कम्फर्टेबल। और इस मूवमेंट को ऐसे अप्रोच करने से मैंने नोटिस किया है कि मैं नेचुरली अपने स्कैपुला को रिट्रैक्ट और स्ट्रेच करते वक्त प्रोट्रैक्ट करने लगा हूँ। सो गिव इट अ शॉट। अब मेरे जिम में जो हैमर स्ट्रेंथ की मशीन रो है उसमें अलग अलग टाइप के ग्रिप्स और हैंडल्स हैं। अब शुरू शुरू में अगर आप बिगिनर हो तो ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग और इंटिमिडेटिंग लग सकता है। मे बी आप ओवरथिंक करने लगोगे और आप ओवर एनालाइज करके सोचोगे कि कौन सा हाइपरट्रॉफी और मसल गेन के लिए बेहतर है। स्टॉप, जस्ट फाइंड अ ग्रिप दैट फील्स नेचुरल। एक ऐसी ग्रिप ढूंढो जो नेचुरल है, कंफर्टेबल है और जिसे करने में आपको मजा आता है। डोंट ओवरथिंक इट। मैं इस चैनल के व्यूअर्स को हमेशा एक बात बताता हूँ, ओवर सिंप्लीफाई, डोंट ओवर कॉम्प्लिकेट। याद रखना कि एट द एंड ऑफ द डे ये एक हॉरिजॉन्टल पुल है। व्हाट ग्रिप यू डू डजंट मैटर टू मच। बिल्कुल लैट पुल डाउन मशीन की तरह ये भी एक मशीन एक्सरसाइज होने की वजह से ओवरऑल रिकवरी में ज्यादा मदद करती है। जितना स्टिम्युलस ये मूवमेंट मुझे अपने बैक में प्रोवाइड करती है, उस स्टिम्युलस के लिए ये बहुत ही कम थकावट जनरेट करती है। जस्ट मेक श्योर कि आप टेक्निक ओवर टाइम प्रैक्टिस करते जाओगे। इस मूवमेंट के मैं 3 सेट्स लगाता हूँ और बिल्कुल लैट पुल डाउन की तरह 6 से 10 रेप्स के लिए ये एक्सरसाइज परफॉर्म करता हूँ। आज मैंने 110 केजी के साथ 9 9 8 ऐसे 3 सेट्स परफॉर्म किए, तो बेसिक प्रोग्रेशन आई विल स्टिक टू दैट टिल आई गेट 10 10 10। ये कई लोगों के लिए सरप्राइजिंग हो सकता है एज ये एक बैक एक्सरसाइज नहीं है, पर मुझे स्ट्रांगली लगता है कि इस एक्सरसाइज ने मेरे बैक को ज्यादा एस्थेटिक बनाने के लिए कंट्रीब्यूट किया है। रेयर डेल्ट या पोस्टीरियर डेल्ट एक छोटा सा मसल ग्रुप होता है जो हमारे शोल्डर के पीछे वाले हिस्से में लोकेटेड होता है। जो भी 3-4 सालों के लिए ट्रेन कर रहा है उनको पता होगा कि ऑलमोस्ट सबका रेयर डेल्ट अंडर डेवलप्ड होता है। हाँ, हम बहुत सारे प्रेसिंग एक्सरसाइजेस लगाते हैं जिसकी वजह से हमारे शोल्डर का सामने वाला हिस्सा काफी ओवर डेवलप हो जाता है, पर हमें बहुत रेयरली एक प्रोपोर्शनट और बैलेंस्ड फिजिक दिखती है जिसमें दोनों फ्रंट डेल्ट और पोस्टीरियर डेल्ट बैलेंस्ड हो। अब मुझे पता है कि रेयर डेल्ट को ट्रेन करने के लिए
बहुत अलग अलग टाइप की एक्सरसाइजेस है, फेस पुल्स हो गए, बेंट ओवर रेजेस हो गए, पर मेरी ऑल टाइम फेवरेट रेड बेल्ट एक्सरसाइज है द रिवर्स पेग डेक मशीन, क्योंकि ये एक्सरसाइज मेरे लिए बहुत सेफ है और कन्वीनियंट है। प्लस क्योंकि ये एक मशीन है जो रेड बेल्ट्स को ट्रेन करने के लिए डिजाइन की गई है, मुझे मूवमेंट पैटर्न या स्टेबलाइजेशन के बारे में ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। आई कैन सिंपली लॉक माय सेल्फ इनटू द मशीन एंड ट्रेन हार्ड। ऑलमोस्ट सारे कमर्शियल जिम्स में एक पेग डेक मशीन होती है। सेटिंग्स को रिवर्स करो, मेक श्योर की हैंडल्स आपके बॉडी के सामने है और फिर इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करो। बहुत सारे लोग इस एक्सरसाइज को सीट पे कम्प्लीटली बैठते हुए परफॉर्म करते हैं। While that's completely okay, इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने का मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है। मैं अपने पैरों को अच्छे से जमीन पे प्लांट करता हूँ फॉर मैक्सिमम स्टेबिलिटी। मेरी जो लोअर बॉडी है वो सीट से कॉन्टेक्ट जरूर बनाती है बट जस्ट बैरली। एक और बार मुझे मेन सपोर्ट अपने पैरों से मिलता है जो जमीन पे अच्छे से प्लांटेड है। सो अगर इस एक्सरसाइज के रेंज ऑफ मोशन की बात की तो हमारे जो रेड बेल्ट्स है वो अराउंड 90 डिग्रीज पे पीक कॉन्ट्रैक्शन पे पहुंचते हैं, पर मैं ये एक्सरसाइज 90 से थोड़ा सा ज्यादा करने की कोशिश करता हूँ। दिस इज माय स्टाइल ऑफ परफॉर्मिंग द मूवमेंट। रेड बेल्ट्स वो एडिशनल एज है जो आपकी फिजिक को थोड़ा सा स्टैंड आउट करने में मदद कर सकता है। और अगर आप मुझे दो फिजिक फोटोज दिखाओगे जिनमें बैक एकदम आइडेंटिकल है पर अगर एक फिजिक के रेड बेल्ट्स अच्छे से ट्रेंड है देन आई एम श्योर कि वो फिजिक ज्यादा स्टैंड आउट करेगी। अगर आप एक लेग्स पुश पुल स्प्लिट फॉलो करते हो तो अपना वर्टिकल पुल और हॉरिजॉन्टल पुल लगाने के बाद मैं इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए रेकमेंड करूंगा। और मैं इस एक्सरसाइज के लिए भी एक सिमिलर सेट और रेप रेंज चूज करता हूँ। सो अगेन 3 sets 6 to 10 reps के लिए विद अ फोकस ऑन स्लोली गेटिंग स्ट्रॉन्गर विद ईच ट्रेनिंग सेशन। और अगर आप एक दूसरा ट्रेनिंग स्प्लिट फॉलो करते हो जस्ट मेक श्योर कि आप रेड बेल्ट्स को पूरे हफ्ते में कम से कम 2 बार ट्रेन कर रहे हो, बट प्लीज ट्रेन योर रेड बेल्ट्स। सो ये है वो 3 exercises जिन्होंने मेरे बैक को ग्रो करने में बहुत कंट्रीब्यूट किया है। मेनी ऑफ यू विल बी टेम्प्टेड टू से बस इतना ही, क्या बैक के लिए सिर्फ 2 exercises काफी होंगे? यस दे आर इनफ। गेन्स चले जाएंगे इसके इनसिक्योरिटी में अननेसेसरीली एक और एक्सरसाइज ऐड करने के बजाय ट्रस्ट द बेसिक मूवमेंट पैटर्न्स। सोचो अगर आप इन दोनों के बावजूद एक और केबल रो ऐड कर रहे हो देन दैट इज जस्ट अनदर हॉरिजॉन्टल पुल। इससे अच्छा प्रोसेस को ट्रस्ट करो और इन दो बेसिक मूवमेंट पैटर्न्स के एक एक एक्सरसाइज पे प्रोग्रेस करने की कोशिश करो। वर्टिकल पुल के 3 sets और हॉरिजॉन्टल पुल के 3 sets इनको मैंने अगर फेलियर तक किया तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मुझे अच्छी स्टिम्यूलस मिल रही है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं अगले बैक ट्रेनिंग सेशन के पहले अच्छे से रिकवर हो रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर छोड़ देना और दिल से पसंद आया किसी भी दोस्त के साथ शेयर करना जो अपनी बैक ग्रो करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो नीचे सब्सक्राइब बटन को ज़रूर क्लिक करना ताकि आप कोई अपलोड मिस ना करें। टेक केयर, कीप ट्रेनिंग हार्ड, कीप ट्रेनिंग स्मार्ट। मैं मिलूंगा आप लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो में।